त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ श्री गुरुवे नमः। अठारहवाध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने संन्यास और त्याग के विषय में अनेक बार मुझसे कहा है, परंतु इनकी वास्तविकता क्या है? मैं इसके तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, संसार की हर प्रिय अप्रिय वस्तु, हर कामना तथा मोह माया आदि का त्याग करके मेरी शरण में आना ही संन्यास है। मेरी शरण में आकर केवल मेरी भक्ति को अपनी कामना मानकर और मुझ में रम जाने को त्याग और संन्यास कहते हैं। यह मेरा मत है, परंतु शास्त्रों का मत भिन्न है। एक शास्त्र कहता है कि भले और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का फल सुखदायक होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाला दुख भोगता है। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह भी कहता है कि दान, यज्ञ, तपस्या और स्नानादि कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। इन कर्मों को करने से शरीर पवित्र होता है। हे धनंजय, मेरे मत से त्याग तीन प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम दान, यज्ञ, तपस्या और स्नानादि प्राणी को पवित्रता प्रदान करते हैं। विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी इन्हें नहीं त्यागते, क्योंकि उनके लिए यह भले कर्म है। किसी के प्रति भलाई करके वह उसका फल नहीं चाहते, अतः मेरे मत के अनुसार यह बात भली है। भले कर्म करके उनका फल न चाहने वाले प्राणी सर्वश्रेष्ठ हैं। आलस्य अज्ञानी के ज्ञान का भाव है। जो प्राणी सत्कर्म का महत्व न समझकर उसे त्याग दे, और जो प्राणी किसी अन्य प्राणी से मोहित होकर सत्कर्मों का बहिष्कार करे, वह राजसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी शारीरिक दुख से भयभीत होकर कर्म का त्याग करे, तो ऐसा त्याग तामसी होता है। हे कौन्तेय, जो सत्कर्मों को करे लेकिन लाभ की इच्छा कदापि ना करे, ऐसा त्याग सात्विकी कहलाता है। बुद्धिमान प्राणी स्नानादि सत्कर्मों को कभी निंदित नहीं करते और स्वयं ऐसे सत्कर्मों का त्याग भी नहीं करते। वे कर्म फल की भावना नहीं रखते। हे पार्थ, ऐसे प्राणी विवेकशील होते हैं। हे अर्जुन, यदि प्राणी मेरे मर्म को जानना चाहता है, तो उसे सत्कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार प्राणी संघर्ष करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार सत्कर्म भी संघर्ष के मार्ग की ओर चला जाता है। सृष्टि में ऐसा कोई भी शक्तिशाली प्राणी नहीं है जो इन सत्कर्मों का त्याग करने का साहस कर सके। हे अर्जुन, माता के पेट में जब से जीव आता है, तभी से अपनी जीवन यात्रा के अंतिम दिन तक वह कभी न कभी तो निष्कर्मी होता ही है और न ही त्यागी। अतः हे पार्थ, जो प्राणी अपने समस्त सत्कर्म मुझे समर्पित करे और किसी भी प्रकार के फल की चाह मन में उपजने ना दे, ऐसा प्राणी निष्कर्मी और त्यागी होता है। हे अर्जुन, नित्य करणीय कर्म के फल तीन प्रकार के होते हैं। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख और बुरे भले कर्मों का फल मिश्रित होता है। यह तीन प्रकार के फल प्रतिदिन हर प्राणी को भोगने पड़ते हैं, मगर जो प्राणी सांसारिक मोह माया को त्याग कर मेरी शरण में है, उन्हें सुख की ही प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, प्राणी द्वारा किए गए जो भी अच्छे या बुरे कर्म होते हैं, उनका संचालन प्राणी की इंद्रियों और मन के द्वारा होते हैं। देहधारी प्राणी के अंदर जो अकर्ता है, वह कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी पवित्र और निर्मल है। हे धनंजय, आत्मा को वही पहचान सका है जिसकी बुद्धि निर्मल तथा मन उज्जवल है, परंतु जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ऐसे प्राणी न तो आत्मा की महत्ता समझ सकते हैं और न ही उसे पहचान सकते हैं। वस्तुतः आत्मा निराकार है, उसे कोई देख नहीं सकता और वह जब चाहे प्राणी को मार सकती है। उसे किसी भी कर्म का बंधन नहीं है। हे पार्थ, ज्ञान, कर्म और कर्ता तीन प्रकार के होते हैं। सात्विक ज्ञानी सर्वोत्तम होता है, क्योंकि उसका ज्ञान असीमित होता है। ऐसे ज्ञानी को न केवल अविनाशी आत्मा ही दिखाई देती है, वरन वह समदृष्टि भी रखता है। यही सात्विक प्राणी की विशेषता है। हे अर्जुन, जो प्राणी सर्वथा यह कहे कि यह मेरा है, यह तेरा है, या सब कुछ मेरा है, सब तेरा नहीं है, यह राजसी ज्ञान कहलाता है। तीसरे प्रकार के प्राणी तामसी ज्ञान के होते हैं। तामसी प्राणी को हर किसी के साथ वैर भावना रखने में ही आनंद आता है। हे धनंजय, कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। जो प्राणी अपने मन में यह धारणा बना ले कि यह कर्म मेरे योग्य है,
शुभ हैं और दूसरों को इस कर्म से लाभ होगा, वह मन में फल प्राप्ति की कोई आशा न रखे, यह सात्विक कर्म कहलाता है। जो प्राणी कर्म के साथ फल की इच्छा और अहंकार की भावना रखकर यह कहता फिरे कि यह कर्म मैंने किया है तथा इस कर्म को करने में कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़े हैं, ऐसे कर्म राजसी कर्म कहलाते हैं। जो प्राणी मोह माया के बंधन में बंधा रहे, अपनी बड़ाई का प्रदर्शन करता फिरे, अपने बल को दिखाना अपनी शोभा समझे अथवा किसी पर घात करे और किसी के दिल को चोट पहुंचाए, ऐसे प्राणी के कर्म तामसी कर्म कहलाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी धर्म कर्म के कार्य यज्ञ महोत्सव हवन श्राद्ध इत्यादि करे, मन में किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न रखे, मन अहंकार रहित हो, हृदय में हमेशा यह भावना रखे कि मैं तो तुच्छ हूँ, मुझे जो कुछ दिया है परमेश्वर ने ही दिया है, आडंबर न करे, हर कार्य को सहज भाव से करे, कार्य बिगड़ जाए तो उसका शोक न करे और कार्य के विधि पूर्वक पूर्ण हो जाने पर खुशी को प्रदर्शित न करे और ईश्वर कृपा से जैसा भी भोजन मिले उसे उसका प्रसाद समझकर ग्रहण कर ले, ऐसे ही कर्म के कर्ता को सात्विक प्राणी या कर्म कर्ता कहते हैं। जो तन मन से अपवित्र रहे, धार्मिक कर्म आदि करते समय हर्ष या शोक से ग्रसित हो, मन में स्वयं द्वारा किए गए कार्य के फल की इच्छा रखे तथा मन में इस भावना की धारणा रखे कि लोग मुझे धन्य कहेंगे, लेकिन किसी धार्मिक कार्य अथवा अन्य कारणवश धन के व्यय होने से दुखी हो, ऐसे कर्ता को राजसी कर्ता कहते हैं। जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन सी धार्मिक विधि किस प्रकार संपूर्ण की जाए, किसी सज्जन के समक्ष झुकने में अपना अपमान महसूस करे, मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करे तथा किसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध न रखे, ऐसे प्राणी तामसी कर्ता कहलाते हैं। हे पांडव पुत्र, जिस प्राणी की बुद्धि प्रखर होगी वह अपने ग्रस्त जीवन को खुशहाल बना लेगा। जो प्राणी अच्छे कर्म को अच्छा समझे और बुरे कर्म को बुरा जाने, उसे यह ज्ञान हो कि किस कार्य में मुक्ति प्राप्त होगी और किस कार्य के द्वारा वह बंधनों से बंधता चला जाएगा, जो अपनी बुद्धि और विवेक के इस तत्व को जान जाएगा वही ज्ञानी और सात्विक बुद्धि वाला होगा। जो अपनी बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को बुरे कार्य को भला समझे, ऐसे प्राणी राजसी बुद्धि वाले होते हैं। हे प्रथापुत्र, तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति सूक्ष्म विचारणा शक्ति के कारण अधर्म को धर्म के रूप में धारण करने वाला, अर्थपूर्ण को अनर्थ के रूप में अनर्थपूर्ण मानने वाला, अन्य प्राणियों से मन में द्वेष की भावना रखने वाला, जीवों को पीड़ित करने वाला तथा विषादपूर्ण स्थितियों में गिरा रहने वाला होता है। हे धनंजय, जिसका मन निश्चल होता है, प्राणी के वशीभूत हो, इंद्रियां वश में हो, वही सात्विक दृढ़ता वाला होता है। जिस प्राणी का मन अपने धर्म में हर प्रकार से दृढ़ रहे, जिस कार्य को करने का मन बना ले उसे दृढ़ता से पूरा करे, यदि धन कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया है तो खूब धन संचय करे तथा किसी कार्य में दृढ़ता अपना कर और उस पर खरा उतरे, ऐसा प्राणी राजसी दृढ़ता वाला होता है। जो हर समय निद्रा मग्न होते हैं, निद्रा ही जिनका भूत भविष्य और वर्तमान है, जो हर समय चिंता मग्न रहते हैं तथा हर प्राणी के साथ कलह करते हैं, ऐसे प्राणियों को तामसी दृढ़ता वाले जानो। हे भरतवंश, जब प्राणी सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करके मन प्राण व इंद्रियों के द्वारा भगवत चिंतन करता है, उस समय उसकी आस्था सात्विक कहलाती है। जब प्राणी की आस्था धर्म अर्थ तथा काम में होती है तब वह आस्था राजसी कहलाती है। जब प्राणी की आस्था का झुकाव दुष्ट प्रवृत्तियों की ओर होता है तब वह भ्रष्ट तथा तामसी आस्था कहलाती है। इस आस्था और अवस्था में प्राणी भयग्रस्त चिंतित और विक्षिप्तों जैसा कष्ट भोगने वाला हो जाता है। हे अर्जुन, ऐसा सुख जिसमें प्राणी भगवत भजन भगवत दर्शन तथा पूजा अर्चना नियमानुसार करता है और जिसके प्रभाव से उसके अनिष्टों का नाश होता है उसे सात्विक सुख कहते हैं। प्राणी सांसारिक विषयों का इंद्रियों द्वारा भोग करता है, इस भोग की अवस्था के शुरू में प्राणी को अपार सुख मिलता है, यह सुख उसे स्वर्ग भोगने के समान लगता है, परंतु धीरे धीरे यही सुख उसके लिए नरक के समान प्रतीत हो जाता है, यह सुखदायक साधन वृद्धावस्था में दुखदायक हो जाते हैं, अतः इस सुख को राजसी सुख कहते हैं। हे अर्जुन, बेसुध निद्रा में आलस्य असावधानी प्रभु की ओर से विमुखता तथा हर प्राणी को शंकामय दृष्टि से देखना तामसी सुख कहलाता है। हे अर्जुन, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी पाताल और नाग लोक आदि सभी लोक माया से उपजे हैं,
इसलिए ये सत्व रज तम आदि माया के गुणों से आबद्ध रहते हैं। इन लोकों में रहने वाले प्राणी भी तीनों गुणों से युक्त होते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र पूर्व जन्मों के कर्म संस्कारों के कारण ही अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। प्रत्येक वर्ण के गुण उनके संस्कारों के अनुसार होते हैं और उनका स्वभाव भी पूर्व जन्म के अनुसार होता है। हे पार्थ, तप करना, इंद्रियों को वश में रखना, पवित्रता के साथ रहना, भजन करना, हृदय में कोमलता एवं क्षमा भावना रखना और गोविंद में तत्व बुद्धि से परमेश्वर को जानना आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म है। तेजस्वी होना, शूरवीर, युद्ध में पीठ न दिखाना, बुद्धिमान, दानी और परमेश्वर में श्रद्धा होना क्षत्रियों के स्वाभाविक लक्षण कहे गए हैं। वैश्य के स्वाभाविक लक्षण हैं व्यापार, खेती करना, गौओं का पालन करना तथा लेन देन के व्यापार में छल कपट आदि का व्यवहार न करना। शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए पैदा होता है। जो मिल जाए उसी में संतोष करना शूद्र का स्वाभाविक धर्म माना गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, सभी वर्णों के प्राणियों को अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होने से ही सिद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राणी के जन्म के उपरांत ही उसमें संस्कार पड़ते हैं, अतः प्राणी के कर्म संस्कार ही वर्तमान जीवन में उसके साथ रहते हैं, जिनका प्रभाव उस पर पड़ता है। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने ये चारों वर्णों के स्वाभाविक धर्म कहे हैं। हे कौन्तेय, सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उन सब की उत्पत्ति परम पुरुष द्वारा ही हुई है। जिस प्रकार समूचे वातावरण में हवा व्याप्त है, उसी प्रकार सत्य आनंद प्रदाता परम पिता परमेश्वर भी सारी सृष्टि में व्याप्त रहता है। ऐसे सर्वव्यापक परमात्मा को कर्म पूजा द्वारा पूज कर प्राणी मुक्ति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, दूसरे का धर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, अपना धर्म कितना ही हीन क्यों न हो, तब भी अपना धर्म दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ होता है। इसलिए अपने धर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो। हे अर्जुन, जिस प्राणी की बुद्धि पवित्र है, जिसे एकांतवास प्रिय है, जो अल्प भोगी है, मन वाणी और देह सदैव जिसके वश में है, जो अल्प आहारी है, जो सदैव परम तत्व के स्मरण में रत रहता है, जिसका मन चलायमान नहीं होता, जो राग द्वेषों को नष्ट करके अहंकार बल काम क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित एवं शांत अंतःकरण हो जाता है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकांकी भाव होने से न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, क्योंकि किसी वस्तु की प्राप्ति का भाव उसके मन में कभी उत्पन्न नहीं होता। ऐसा प्राणी सृष्टि में विचरने वाले सभी जीवों के प्रति समबुद्धि होता है। हे कौन्तेय, जो प्राणी समदर्शी एवं समबुद्धि वाला होता है, वही मेरी परम भक्ति के प्रति निष्ठा प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसलिए हे अर्जुन, जिस प्राणी को मेरी परम भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरे कर्मों को भलीभांति जान लेता है। जो मेरे कर्मों को जान लेता है, वह मेरे स्वरूप को सृष्टि के हर जीव में देखता है। ऐसे प्राणी की दृष्टि में समूची सृष्टि कृष्णमय हो जाती है, अतः वह मुझ परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। ऐसी ही स्थिति को मोक्ष कहते हैं, जिसे प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू जो भी अच्छा अथवा बुरा कर्म करे, उसे निर्मल मन के साथ मुझे अर्पित कर दे। मेरे प्रति सदैव निष्ठा और मेरा स्मरण करते हुए कर्म कर। जब तेरा मन निरंतर कर्म करते हुए मुझमें ही समाया रहेगा, तभी तू मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा, जन्म मरण आदि दुखों से मुक्त हो जाएगा। यदि तू अहंकार की भावना में लिप्त होकर मेरे मुख से निकले वचनों को अपने रोम रोम में नहीं समाएगा, तो तू अपने परम ध्येय से भटक जाएगा। यदि तू यह सोचता है कि युद्ध करना तुझे शोभा नहीं देगा, तो तेरी यह सोच निरर्थक है। तू क्षत्रिय है, इसलिए युद्ध करना तेरा स्वभाव है और तेरा यह स्वभाव ही तुझे युद्ध के लिए प्रेरित करेगा। हे पार्थ, तू मोह माया अहम प्रतिष्ठा एवं संकोच आदि का त्याग करके परमात्मा की शरण में जा, वही सर्वोत्तम स्थल है। अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर को ही मानकर प्रेम पूर्वक उसके नाम प्रभाव स्वरूप का ध्यान तथा गुणगान कर। इस प्रकार तू निष्काम भाव से उस ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दे। हे अर्जुन, ऐसा करने से तुझे परम पिता परमेश्वर की कृपा से परम ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। हे कौन्तेय, तू मेरा सखा है तथा परम प्रिय है, इसलिए मैंने केवल तुझे ही इस गूढ़ व रहस्यमय ज्ञान का उपदेश दिया है। अन्य प्राणियों के लिए इस ज्ञान को प्राप्त करना अति दुर्लभ है। मेरे द्वारा दिए गए इस गूढ़ ज्ञान के मार्ग पर विचार करने के उपरांत अब तेरा यह कर्तव्य है कि तू अपने हित के लिए अच्छा या बुरा निर्णय ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों में भी अति गोपनीय और परम हितकारी वचनों को तू एक बार फिर सुन, क्योंकि तू मेरा परम प्रिय है।
इसलिए परम हितकारी वचन भी मैं तुझे कहूंगा। हे कौन्तेय, नित्य निरंतर अचल मन, अतिशय श्रद्धा एवं भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन तथा पठन पाठन द्वारा केवल मुझे भज। तू मन और वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व मुझे अर्पण करके श्रद्धा भक्ति और प्रेम से सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक एवं भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने पर तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म रूपी सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण कर ले। हे सखा, जब तू मेरे प्रति एक निष्ठ होकर मेरी ही शरण ग्रहण करेगा तो मैं तुझे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तू किसी भी प्रकार का शोक मत कर। हे धनंजय, गीता का यह अति रहस्यमय व गूढ़ ज्ञान मैंने तेरे हित को ध्यान में रखते हुए केवल तुझे ही दिया है। गीता रूप परम रहस्य को कभी भी किसी ऐसे प्राणी को नहीं बताना चाहिए जो जप तप और भक्ति न करता हो तथा शास्त्रों वेदों ईश्वर एवं वृद्ध प्राणियों के प्रति श्रद्धा भाव न रखता हो। जो प्राणी भक्तिहीन हो, जिसकी किसी भी ज्ञान में रुचि न हो, जो इस गूढ़ ज्ञान की निंदा करता हो और जिसके लिए यह ज्ञान शून्य के समान हो, ऐसे प्राणी को यह ज्ञान कदापि नहीं देना चाहिए। मगर जो प्राणी भक्तवत्सल हो, ज्ञानियों और वृद्धजनों का सम्मान करता हो तथा ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे गीता का ज्ञान अवश्य और प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए। क्योंकि जो प्राणी मुझ में निष्ठा रखते हैं, अति गोपनीय निष्ठा रखते हुए अति गोपनीय गीता के इस ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा अतिशय कार्य करने वाला न तो प्राणियों में कोई है और न ही इस अत्यंत प्रिय पृथ्वी पर होगा। इसलिए हे अर्जुन, जो प्राणी हम दोनों के मध्य हुए इस धर्ममय संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, वह पापों से मुक्ति पाकर श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया कि हे भरतवंशी अर्जुन, मैंने जो कुछ भी तुझसे कहा, क्या तूने उसे शांत चित्त से सुना? जो मोह तेरे मन में उपजा था, क्या वह नष्ट हुआ? तब अर्जुन भाव विभोर होकर बोला कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह अब नष्ट हो चुका है। हे कृपा निदान, अब मेरे सभी संशय समाप्त हो चुके हैं और मेरा मन स्थिर हो गया है। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका अवश्य पालन करूंगा। यह वचन कहकर अर्जुन बार बार भगवान श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मेरी आज्ञा अनुसार तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर, यह मेरी तेरे लिए आज्ञा है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने गांडी उठा लिया और शीश झुकाकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र से संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन के बीच हुए रोमांचित संवादों को सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं महर्षि वेदव्यास जी का भी कृतज्ञ हूँ, जिनकी असीम कृपा द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। इसके बल पर मैं उस गूढ़ और महान ज्ञान को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुनने में सक्षम हुआ। इसलिए हे राजन, मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यमय कल्याणकारी और चमत्कारिक संवादों को बार बार स्मरण करके हर्षित होता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जैसा विशाल और चतुर्भुज रूप दिखाया था, उसे बारंबार स्मरण करके मुझे आश्चर्य और हर्ष हो रहा है। हे राजन, जहाँ श्री कृष्ण के रूप में साक्षात नारायण उपस्थित हैं और गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर विजय श्री विभूति और अचल नीति है। 18वें अध्याय का महात्मा। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 18वें अध्याय का महात्म्य सुनो। जैसे सब नदियों में गंगा जी, गौओं में कपिला कामधेनु और ऋषियों में नारद श्रेष्ठ हैं, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों में 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बड़ी प्रसन्नता से बैठे थे। पूर्वशी नृत्य कर रही थी। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और अन्य को बहुत अखरे। उस तेजस्वी को बैठा तो दिया, किंतु इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ। मेरे जाने तो इसने तीर्थ व्रत दान कोई नहीं किया, शिवालय व ठाकुर मंदिर नहीं बनवाया,
तालाब नहीं खुदवाया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब भगवान ने बृहस्पति जी से कहा कि इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु यह गीता जी के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। इससे जब इसने देह त्यागी, तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदो, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगो। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए, तब मेरी सायुध मुक्ति को पहुंचा दो। देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तु एकत्र कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुख भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर वह भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री, कलयुग में यह तीनों मुक्ति की गाथा है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया। श्रीमद् भागवत गीता की जय हो।